ശങ്ങളേക്ക് പിന്നാലെ മടങ്ങി വരാം. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. ആജ് ഫ്രാങ്ക്ലി ആപ്കോ ബോലൂ കഹീ ഭീ ആപ് ചൌക്കിദാർ ബോൾ ദീജിയേ ഏകദം ജവാബ് ആതാ ഹൈ ചോർ ഹൈ തോ ബോൾനേ കാ കോയി കുച്ച് ബച്ചാ ഹീ നഹീ ഹൈ. വിക്രാന്ത് नरेंद्र मोदी जी का पूरा सिस्टम डिस्ट्रैक्ट करने का है. अब हम उनके साथ चार पांच चुनाव लड़ चुके हैं, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़. जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो जीत नहीं रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ नया, जैसे गुजरात में सी प्लेन किया था उन्होंने, कुछ ना कुछ नया सी प्लेन निकाल के चालू कर देते हैं. बट रियलिटी ये है कि चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, उनके चेहरे पर आपको दिख रहा है. देखिए, आर्मी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की नेवी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है. ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए हैं, ये हिंदुस्तान की आर्मी ने किए हैं. और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी वाले सर्जिकल स्ट्राइक्स वीडियो गेम्स थे, तो वो कांग्रेस का अपमान नहीं करते, हिंदुस्तान की आर्मी का अपमान कर रहे हैं. रवि सिसोदिया जी, और रिकॉर्ड चाहिए तो ये लिखे हुए हैं. ये जनरल जनरल विक्रम सिंह ने 14 जनवरी को ये बोले हैं. 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर, 30 अगस्त शारदा सेक्टर, 6 जनवरी सवन पत्रा चेक पोस्ट, 27 नाजपिर सेक्टर, 6 अगस्त नीलम वैली सर्जिकल स्ट्राइक ऑन December 23, 2013. तो देखिए, ये आर्मी ने काम किया है, ये आर्मी का काम है. और हम आर्मी को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं. आर्मी हिंदुस्तान की सेना है, किसी एक व्यक्ति की सेना नहीं है. और प्रधानमंत्री में इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो आर्मी के लोगों का अपमान ना करें. ये हमारा जो पूरा का पूरा जॉब्स का चैप्टर है, इसको आप देखिए. जो हमारा पहले न्याय योजना को थोड़ा मैं आपको गहराई में बताता हूं. न्याय योजना का एक लक्ष्य है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालें, मगर दूसरा और उतना ही जरूरी लक्ष्य कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करें. नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है. नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएगा. मेरी किसी से बात हो रही थी, छोटे व्यापारी से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा मेरी आंख से आंसू नहीं निकल रहे, मेरे आंख से खून निकल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने मेरे खिलाफ जो किया है. नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का जो इफेक्ट है उसको मिटाने का तरीका नोटबंदी है. नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइज किया, न्याय योजना रीमोनेटाइज करने का तरीका है. जैसे ही न्याय योजना का पैसा आएगा लोग खरीदना शुरू करेंगे, जैसे खरीदना शुरू करेंगे दुकानें चालू होंगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, रोजगार मिलेगा. किसको मिलेगा? मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा, पहली बात. दूसरी बात, हमने एक ऐतिहासिक काम किया है. मिडिल क्लास का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है हिंदुस्तान में कहीं भी, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं. 3 साल बिना परमिशन आप काम कीजिए, बिजनेस चलाइए, बिजनेस खोलिए, 3 साल बाद आप सरकार के पास आइए, कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन दीजिए. एक सेकंड, 22 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है 1 साल में. मैं 2 करोड़ का वायदा नहीं करूंगा, मैं आपको यह बता दूंगा कि न्याय योजना लाखों करोड़ों युवाओं को इकोनॉमी स्टार्ट करके रोजगार देगी. मैं आपको 2 करोड़ का नंबर नहीं दूंगा, मगर मैं आपको नंबर दे सकता हूं. 22 लाख युवाओं को
गारंटी करके एक साल के अंदर सरकारी नौकरी हम दे देंगे, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दे देंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, इसमें मिडिल क्लास जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है और जो फ्रेंकली हमारा फ्यूचर है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमने निकाली हैं। कैन वी हैव फ्रॉम दैट, अच्छा एक सेकंड, आपने ये सवाल पूछा मुझसे, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया रोजगार के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है रोजगार के बारे में, मैंने आपको लिस्ट दी कि युवाओं से हमने बात करके उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया 3 साल बिना परमिशन दीजिए, किसान का बजट, नया कानून जिससे किसान कर्ज लेने के लिए जेल में नहीं जाएगा, फंडामेंटल चीजें, इसमें स्ट्रेटजी है, और सब लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टो बनाया, क्यों बनाया है, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है, यह हिंदुस्तान के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, माताओं बहनों की आवाज है, इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह बहुत इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और यह इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है और यह हमारा वायदा है। अब आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी के वायदे कौन से हैं, रोजगार के बारे में कौन सा वायदा है, भ्रष्टाचार के बारे में कौन सा वायदा है, किसानों के बारे में कौन सा वायदा है, कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में मैं बहुत स्ट्रांग हूं, अरे भाई आर्मी काम कर रही है, आर्मी 70 साल से काम कर रही है, उनका रिकॉर्ड है देख लीजिए, हर युद्ध में हिंदुस्तान की आर्मी जीती है, टेरिफिक रिकॉर्ड है, नरेंद्र मोदी का उससे क्या लेना देना, वो तो उनका काम है। नरेंद्र मोदी जी आप देश को बताइए, आप युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप बताइए आप किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं, सिलेंडर का पैसा आपने ले लिया, केरोसिन की सब्सिडी आपने ले ली, अगले 5 साल में बताइए 2 बार डिमोनेटाइजेशन करेंगे या 3 बार, ये देश को आप बता दीजिए, गब्बर सिंह टैक्स को आप मतलब 7-8 टैक्स लगाओगे या 10 टैक्स लगाओगे, बता दो देश को, इधर उधर क्यों भाग रहे हो। और फाइनल बात मैं आपको बता देता हूं, राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। अब आप लोग सवाल पूछते हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया, बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया, मैं आपको बताता हूं तो बता देता हूं क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कमेंट कर दिया और वो मेरी जगह नहीं है तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया, मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है, और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं, मैं इसलिए अपोलोजाइज किया क्योंकि प्रोसेस के बीच में मैंने अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दी और वो मैंने गलत किया, गलती हो गई तो मैंने उनसे माफी मांग ली। विक्रांत कोई पेट में दर्द नहीं है, आप करिए बहुत अच्छा है और हम आपसे दुगना करेंगे, मगर देश के सामने बाकी जो समस्याएं हैं और जो सबसे जरूरी समस्या रोजगार की समस्या, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ तो कह दीजिए, कुछ तो बताइए स्ट्रेटजी क्या है आपकी, किस प्रकार से आप काम करेंगे। फ्रेंकली आपको बताऊं, प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं, प्रधानमंत्री के पास वो एक्सपर्टीज है ही नहीं, और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उनका प्रयोग ही नहीं करते हैं तो वो बता भी नहीं सकते हैं। और मैंने उनसे कहा देखिए आ जाइए मेरे साथ, मेरे सामने आ जाइए, डिबेट कर लीजिए, रोजगार के बारे में कर लीजिए, भ्रष्टाचार के बारे में करते हैं, आइए भ्रष्टाचार के बारे में बात कर लीजिए, 5 मिनट बात, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, जहां चाहेंगे, जहां चाहेंगे, सिर्फ अनिल अंबानी के घर में नहीं जाऊंगा। प्रणय आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू ऑल्सो सर, आई हैव नोटेड, लेट मी जस्ट गो अराउंड। देखिए हमारा पहला लक्ष्य बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को हराने का है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने का है, और हमने हमारी पोजीशन क्लियर कर दी है, चुनाव से पहले हम इन चीजों की बात नहीं करने जा रहे, चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स पता लग जाएंगे फिर हम वो बात करेंगे, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्ट करता है। हम आज नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अंडर करंट है,
और बीजेपी हारने जा रही है और हम पूरा दम लगा के कोऑपरेट करके वो काम कर रहे हैं। ज़ेबा I don't really see a campaign being run by the BJP. I don't see a strategic campaign being run. They started off by saying national security, and then halfway through they suddenly said, well, national security is not good enough, and then they came up with Vikas. So I don't see a campaign. I see a scared prime minister unable to face the onslaught of the opposition. And I see a prime minister who is absolutely convinced in his mind that he is trapped and he is not going to succeed. So what I see is a panicky campaign. And then whenever the prime minister is asked fundamental questions, we're 1.4 billion people. When he is asked, listen, please tell us, why is it that we have the highest unemployment rate in 45 years? Why is it that 27,000 youngsters every 24 hours, are losing their jobs? Then he hasn't got an answer. So then he runs off to the seaplane model, where he goes and says, okay, you know, here's an excuse for me. Can we have one question from their side? Archie's Mohan. नहीं ये आपका perception बिल्कुल गलत है. न्याय योजना कोने कोने में पहुंच गई है और न्याय योजना का जो पावर है, 72,000 गरीबी परिवार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है ये. और पहली बार दुनिया में किसी देश ने ऐसी चीज अटेम्प्ट की है कि लाखों करोड़ रुपए गरीबों को दिया जाएगा और न्याय योजना से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फिर से जंप स्टार्ट किया जाएगा. देखिए, हिंदुस्तान के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस बात को नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे. जो हमारी सिचुएशन 91 में थी वो सिचुएशन आज है. 91 में हमने एक नया मॉडल दिया था और इस मैनिफेस्टो में हिंदुस्तान के लिए एक नया मॉडल है, शुरुआत है नए मॉडल की. मगर न्याय योजना बिल्कुल अंदर घुस गई. मिस छादे, नहीं देखिए, अजहर मसूद अजहर मसूद इज अ टेररिस्ट एंड द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम. उसको वहां भेजा किसने? वो आज मतलब ये टेररिस्ट नियुक्त हो रहा है, उसको भेजा किसने वहां? वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे? उसको क्या कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान भेजाया? कैसे गया था वो वहां? किस सरकार ने टेररिज्म से निगोशिएट करके, किस सरकार टेररिज्म के सामने झुककर उसको वापस किसने भेजा? कांग्रेस ने तो नहीं भेजा. तो रियलिटी है, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करती है. कांग्रेस ने ऐसा काम कभी नहीं किया, किसी टेररिस्ट को वहां पाकिस्तान नहीं भेजा कांग्रेस पार्टी ने, कभी नहीं भेजा और ना कभी भेजेंगे. I just want to say one thing to in response to that. See, terrorism is a huge issue. And frankly, it has to be dealt with very, very sternly. And we agree on that. We agree that terrorism has to be dealt with sternly. In fact, we will deal with it more sternly than Mr. Narendra Modi, because we deal with it with a strategy as opposed to just with events. However, there are other huge issues in the country. There's the issue of joblessness. There's the issue of farmers' debt. There's the issue of a collapse of agriculture. Let's have a discussion on those as well. Sir, I'll come to you. You have to wait for your turn. There is a person who's already asking. And I'll come to you.
जहां बीजेपी के मामले हैं, चुनाव आयोग इज एब्सोल्युटली ऑन द स्ट्रेट लाइन, जहां ऑपोजिशन के मामले हैं चुनाव आयोग इज यू नो कंप्लीटली बायस्ड. सो इट इज प्रिटी क्लियर. देखिए, जो इंस्टीट्यूशन की मैंने बात की, नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस का काम करने का तरीका इंस्टीट्यूशंस को पकड़कर प्रेशर करना, वो सब जगह दिख रहा है. वो सुप्रीम कोर्ट, ईसी, प्लानिंग कमीशन, आरबीआई, सब जगह दिख रहा है. वो उनकी अप्रोच है. तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा. हम जानते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो भी कर दे, हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है, और हिंदुस्तान ने जनता ने मन बना लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता. बट फ्रेंकली, इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, दे हैव टू कमिट टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव टू कैरी इट आउट. बिकॉज फ्रेंकली, ऑल दिस इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दैट इज बींग टेकन प्लेस एंड ऑल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस. They will have consequences in the future. We are not going to allow the Indian institutions to be disturbed, controlled, crushed. And anybody who colludes, anybody who falls to this pressure is committing a crime. Yes. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मगर मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊंगा उस डिटेल में. मैं ऐसी सिचुएशन में जाना मतलब ठीक नहीं होगा, बट मैं आपसे कहूंगा कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हम आसानी से बीजेपी को हराएंगे. अनूप जी, देश जानता है कि मैं मतलब भ्रष्टाचार पे बात करना चाहता हूं, और जो चौकीदार जी हैं वो डरते हैं, आ नहीं सकते. क्योंकि देखिए, क्लियर कट बात है, वो हिंदू अखबार के मैं उनके सामने डॉक्यूमेंट रख दूंगा, वहां पे रख दूंगा कि भैया नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे ये समझा दीजिए यहां पे ये क्यों लिखा है कि भैया आप पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे थे, ये आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ब्यूरोक्रेट ने लिखा है. वो ये बता दीजिए कि ये जो होलैंड जी हैं, इन्होंने आपके बारे में क्यों कहा. शायद मैं मतलब फोन भी मार दूं वहां पे होलैंड जी को, कहो भैया ये इन्हीं के सामने बोल दो, खड़े नहीं हो पाएंगे. प्रधानमंत्री का नेचर है कि जब उन पर दबाव पड़ता है, उन पर प्रेशर पड़ता है, वो भाग जाते हैं. उनका नेचर है. ये रणदीप जी इसको टेकअप करेंगे. आप अपने रणदीप जी इसको टेकअप करेंगे. एक्चुअली दो तीन और भी हैं, दो तीन और नए स्कैम्स मिले हैं अभी, मतलब हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन. सर, व्हाई डोंट यू, मैम, यू हैव टू वेट, समबडी इज आस्किंग, हैज बीन वेटिंग, आई थिंक इवन बिफोर यू केम टू द पीसी ही वाज हियर. नहीं, बिल्कुल नहीं लगता. मेन इशू, आप मुझे प्लीज राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे प्लीज वो समझा दीजिए. पहली बार डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने फाइल पे लिखा है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग पैरेलल नेगोशिएशन विथ फ्रांस. क्या मतलब है इसका? Why is PMO parallelly negotiating? It has to be a money transaction. Why has Anil Ambani got 1,000 crore tax rebate in France? Why is the French government given him 1,000 crore rebate? Sir, we'll take second question. आपका response है कि as far as I am concerned, there is going to be zero tolerance on corruption. Zero.
as far as I'm concerned, the first target is to win the election. അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പതിവ് പോലെ മോദി വിമർശനവുമായി ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. കാവൽക്കാരൻ കള്ളൻ തന്നെയാണ് എന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ തെറ്റായി ഒരു സുപ്രീംകോടതി അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തു എന്ന നിലയിൽ തെറ്റായൊരു സമീപനം വിശദീകരണം നടത്തിയതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള മോദി വിമർശനം